जिला कलेक्टर ने लगाई जिले में धारा 144, बड़े आयोजन और चल समारोह में 10 की परमिशन। एसडीएम करेरा ने दी मेला आयोजकों को मेला आयोजन करने की परमिशन। अब जुट रही भारी भीड़, किया जा रहा कोविड नियमों का उल्लंघन। मध्य प्रदेश में कोरोना जैसी बीमारी अभी गई नहीं है, तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इसके चलते जिला कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लगा रखी है। वहीं गणेश पांडालों से लेकर चल समारोह में 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना होने का फरमान कलेक्टर के द्वारा जारी किया जा चुका है। इसके विपरीत जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करते हुए करेरा के अनुविभागीय अधिकारी ने एक बड़े मेले को आयोजित करने की परमिशन दे डाली। इसके बाद करेरा में तहसील के सामने मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि करेरा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय थाना प्रभारी की अनुमति से करेरा की कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ ही मेले की अनुमति दी गई थी, लेकिन मेले में तो कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। यहाँ ना किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग। सैकड़ों की तादाद में खरीदारी करने भीड़ उमड़ रही है। मेले में कोरोना गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेले की परमिशन दी गई है जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जमा हो रही है, सर क्या करेंगे? नहीं, आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इसको दिखवाएंगे और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। ये तो सही है कि ये प्रतिबंध लगाने की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि ज़रूरी होता है, पर पिछली बार भी आपने देखा होगा प्रतिबंध के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी और वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बेहतर तो ये हो कि उल्लंघन ना करें, पालन करें, पर अगर उल्लंघन होएगा तो कार्रवाई की जाएगी।